नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉबी देओल और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। भले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हो, लेकिन इस फिल्म की कई लोगों ने आलोचना की थी। कई लोगों ने एनिमल को महिला विरोधी बताया था। बता दें, इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। संदीप की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई तो अच्छी खासी करती है। कई लोगों का मानना है कि डायरेक्टर की फिल्मों में महिलाओं को अपमानित करना और स्त्री विरोधी पैटर्न को दिखाया जाता है। कुछ दिनों पहले राइटर जावेद अख्तर ने भी एनिमल पर तंज कसा था। एनिमल की तरह संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह का भी काफी विरोध हुआ था। वहीं अब संदीप ने फिल्म को लेकर मिल रही आलोचना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। डायरेक्टर ने अपनी बात रखते हुए बिना नाम लिए आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव पर भी तंज कसा है, जिन्होंने बाहुबली और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को महिला विरोधी फिल्म बताकर उनकी आलोचना की थी। संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग समझते नहीं है कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। मेरी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ पर लिखा आर्टिकल दिखाया था, जिसमें वो कह रही थी बाहुबली और कबीर सिंह जैसी फिल्में मिसोजिनी और लोगों का पीछा करना जैसी चीजों को प्रमोट करती है। मुझे लगता है कि वो पीछा करने और अप्रोच करने के बीच के फर्क को नहीं समझते हैं। बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा ने आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल का जिक्र करते हुए भी किरण राव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं उस औरत से कहना चाहता हूं कि जाकर आमिर खान से खंबे जैसी खड़ी है गाने के बारे में पूछे वो क्या था, फिर मेरे पास आओ। अगर आपको दिल याद है तो वो लगभग बलात्कार की कोशिश करता है। वो उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे उसने गलत काम किया है और उसके बाद उन्हें प्यार हो जाता है। वो सब क्या था, मुझे समझ नहीं आता कि वे आसपास की जांच करने से पहले इस तरह अटैक क्यों करते हैं। तो रेखा, आपने किस तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने बिना नाम लिए आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव को करारा जवाब दे दिया है। बता दें कि एनिमल में रणबीर कपूर और बॉबी देओल को काफी पसंद किया गया था। दोनों की एक्टिंग ने फिल्म में जान डाल दी थी। फिल्म ने जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जहां पर इसने कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। फिल्म में बॉबी और रणबीर के अलावा रश्मिका और अनिल कपूर अहम रोल में नजर आए थे। वहीं संदीप की फिल्म कबीर सिंह भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी अहम रोल में नजर आए थे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि संदीप रेड्डी वांगा के इस बयान पर आमिर खान और उनके एक्स वाइफ किरण राव किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे संदीप की बातों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।